सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने अपने मुआहिदा खत्म होते ही पाकिस्तानी टीम पर होने वाली नाजायज तनकीद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की अंदरूनी सियासत पर तनकीद करते हुए कहा है कि यकीनन मैं उन चीजों को मिस नहीं करूंगा। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ग्रांट फ्लावर ने कहा, साबिक खिलाड़ियों की जानिब से पीठ पीछे छुड़ा घूमना, टीवी पर होने वाली सियासत, सहाफी और पीसीबी में होने वाली सियासत चंद ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। ग्रांट फ्लावर फखर जमान के मुस्तकबिल के हवाले से भी फिक्रमंद नजर आए और कहा कि उन्हें अपनी टेक्निक पर काम करने की जरूरत है ताकि वो दोबारा रन बनाना शुरू कर सके। जबकि उन्होंने बाबर आजम की बेहद तारीफ की और कहा कि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनकी कोचिंग का मौका मिला। तो बस यही थी साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।